पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्र पर छवि होती हैं, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार पत्रों में। जो सबसे ज्यादा सूचना है वो यूपीएससी एग्जाम को लेकर के है। एग्जाम में आए विकल्पों ने किया कन्फ्यूज, कल मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी। छात्रों का ये मानना है कि इस बार का जो पेपर था वो टफ था पिछली बार की अपेक्षा। एलिमिनेशन तकनीक काम नहीं आई, विकल्पों में कन्फ्यूजन था और वहीं पर हिस्ट्री के क्वेश्चन कम आए, खासतौर से मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा कराई गई। परीक्षा का आयोजन 40 केंद्रों पर किया गया। लिखा हुआ है कि पेपर, ये देखिए लिखा हुआ है कि पहले पेपर ने ही परीक्षार्थियों के पसीने छुड़ा दिए। परीक्षा में शामिल हुए लगभग सभी परीक्षार्थियों ने पेपर को पिछले साल से कठिन बताया, साथ ही प्रश्नों के विकल्पों ने खूब कन्फ्यूज किया। परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर बहुत लेंथी था और इसके साथ ही पेपर में पूछे गए प्रश्नों के विकल्प काफी कंफ्यूजिंग थे। पहला पेपर पिछले सालों की तुलना में कठिन था और इसके साथ ही पेपर दो भी पिछले सालों की तुलना में कठिन लगा। छात्रों ने बताया कि पेपर में बड़ी संख्या में ऐसे प्रश्न थे जो अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हल किए जा सकते थे। सिटी मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा सुचितापूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा के लिए 18,042 विद्यार्थी पंजीकृत थे। ये केवल एक शहर की बात हो रही है, केवल आगरा की बात हो रही है कि 18,000 में 9,421 विद्यार्थी उपस्थित रहे। लगभग 50% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, 8,621 विद्यार्थियों ने छोड़ दी थी। कुछ प्रश्नों के बारे में भी लिखा है कि सिविल सेवा परीक्षा में डिजिटल करेंसी के सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। और कल जब मैंने इसका रिव्यू किया था आप लोगों को बताया था कि जो ग्लोबल करंट अफेयर है वो ज्यादा पूछा गया था। आईआर से संबंधित भी क्वेश्चन ज्यादा आए थे। कथन काल के जो सवाल थे वो ज्यादा थे, सीसेट वाला जो पोर्शन है। इतिहास की तुलना में भूगोल के क्वेश्चन ज्यादा आए थे। इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर से जोड़ करके आए थे, ऐसा इकोनॉमिक्स में होता ही है। तो यहाँ पर और भी जो कोचिंग संस्थान उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि कम जाएगा कट ऑफ, वैसे 87-88 अंक के आसपास जाया करती है। और मैंने आप लोगों से कल बताया था कम से कम 5-6 अंक इस बार कम जाने चाहिए। रेस आईएएस के चेयरमैन राजेश शुक्ला ने कहा है कि समान अध्ययन के मुख्य प्रश्न पत्र का स्तर काफी अच्छा था, पिछले कुछ वर्षों की तुलना में प्रश्न पत्र कठिन था, इसलिए कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। लेखक दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाएगा। गोवा के लेखक दामोदर मौजो को देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। राज्यपाल ने शनिवार को पुरस्कार प्रदान करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मौजो कोंकणी साहित्यिक संस्कृति का प्रतीक है और यहाँ राजभवन में आयोजित समारोह में मशहूर शायर गुलजार भी शामिल। केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, यह भी याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला है उनको वो किस भाषा के लेखक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मौजो की 25 पुस्तकें कोंकणी और एक पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है। अगली जो सूचना है वो जंतर मंतर से पहलवानों का धरना खत्म कर दिया गया है और करवाया गया, खत्म नहीं हुआ है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को नए संसद भवन की ओर कूच करने से पहले ही रविवार को हिरासत में ले लिया गया और इसके बाद पुलिस ने धरना स्थल से पहलवानों के तिरपाल, लगे टेंट, गद्दे, कूलर और अन्य सामान हटाकर धरना स्थल खाली करा दिया गया। वहीं देर शाम धरना स्थल पर पहुंचने वाले अन्य प्रदर्शनकारियों को भी सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। यौन शोषण के मामले में प्रदर्शन कर रहे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत करीब 109 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मामला यह है कि कल नई संसद का उद्घाटन हो रहा था और वहां पर बैरिकेटिंग लगाने की कोशिश पर धक्का मुक्की हुई। पहलवानों ने ऐलान किया था कि वे शांतिपूर्वक तरीके से 11:30 पर नए संसद भवन के सामने महिला पंचायत के लिए निकलेंगे। जंतर मंतर पर जब विनेश फोगाट और उनकी बहन संगीता समेत अन्य पहलवानों ने बैरिकेट को पार करने की कोशिश की तो पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हुई। तस्वीर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उधर मामले में दिल्ली से लगती सीमा पर किसान जुटे हैं। गाजीपुर बाडा पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सभा की और पहलवानों को रिहा करने की मांग की। दरोगा भर्ती में पिछले एक साल से जब से परीक्षा हुई तब से लगातार नए नए धांधली के खुलासे होते रहे हैं और जब इन विद्यार्थियों की ट्रेनिंग हो रही है तब भी यहां पर खुलासा हो रहा है। लिखा है दरोगा भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ने साल भर बैठाया केस। दरोगा भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी रिंकू यादव ने अपने स्थान पर साल भर बैठाया था। चुनार में ट्रेनिंग के दौरान ही जांच पूरी हो गई और उसकी करतूत सामने आ गई। पुलिस भर्ती बोर्ड की जांच में सामने आया कि रिंकू ने वर्ष 2020-21 की दरोगा भर्ती परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बैठाया था। जांच में पाया गया कि परीक्षा केंद्र के समय ली गई फोटो व हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन में पाए गए हस्ताक्षर और फोटो से मेल नहीं खा रहे हैं। इसके बाद ही पुलिस भर्ती बोर्ड के अनुसचिव पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद ने इस मामले में रिंकू और अज्ञात सालवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। चूंकि परीक्षा के समय बायोमेट्रिक होता है और शिक्षा जो माफिया होते हैं वो परीक्षा में सालवर को भेजते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी अब सालवर को भेजने लगे हैं।
ताकि वो पकड़ा ना जाए। लेकिन अब इन सभी भर्तियों में उत्तर प्रदेश की ज्वाइनिंग होगी, विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग के समय भी, ट्रेनिंग के समय भी, यानी कि प्रत्येक चरण में बायोमेट्रिक होगा और यहीं पर लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए ये गलती कभी ना करें। कोई भी नया विद्यार्थी, चाहे उसे कोई फर्जी मार्कशीट बनवाने के लिए कहे, ओ लेवल के लिए कहे, या PGDCA के लिए कहे, या BEd के लिए कहे, आप गलत मार्कशीट पकड़वाएंगे, जरूर किसी ना किसी दिन पकड़े जाएंगे। सरकारी नौकरियों में थोड़ा सा देर लगती है जांच में, लेकिन पकड़ा अवश्य जाता है। अगली सुनवाई है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा शिक्षक भर्ती में सुनवाई पर अभ्यर्थियों की नजर। बेसिक शिक्षा विभाग की जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया था विद्यार्थियों ने। इन विद्यार्थियों का यह कहना था कि 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ है। इन विद्यार्थियों ने सरकार पर दबाव बनाया था। सरकार ने 6800 की सूची जारी भी कर दी थी, लेकिन विद्यार्थी 19,000 से कम प्रमाण नहीं रहे थे। मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने 6800 की सूची भी निरस्त कर दी है और पूरी की पूरी जो सूची है उसको रिविजिट करने का आदेश भी दिया है, और यह भी कहा कि जिन विद्यार्थियों को सुपर TT में आरक्षण का लाभ मिला है उनको फाइनल मेरिट में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और सिंगल बेंच के विद्यार्थी से छात्र असंतुष्ट हैं और छात्र अब डबल बेंच में चले गए हैं। आज इस केस की सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से ये कहा था कि आप अपना स्टैंड बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। विद्यार्थियों को चूंकि अंदेशा था कि हो सकता है कि सरकार जून के महीने में, जब हाई कोर्ट वगैरह सब कुछ बंद रहता है, तब सरकार रिविजिट की जो सूची है वो जारी कर सकती है। सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, जिसमें सिंगल बेंच के आदेश के अनुसार विद्यार्थियों को दोहरा आरक्षण मिला है, उन विद्यार्थियों को जनरल कैटेगरी से बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह OBC, जनरल्स और सभी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सुपर TET में आरक्षण का लाभ नहीं लिया है, उन विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। निश्चित तौर पर कुछ नए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। फिलहाल आज देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। यहाँ पर लिखा कि अभ्यर्थियों की नजर अब कोर्ट की सुनवाई पर है। इस प्रकरण में सरकार की ओर से जारी आरक्षित वर्ग की 6800 सूची को गलत मानकर कोर्ट खारिज कर चुकी है। तो देखते हैं सरकार क्या आज बोलती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 4 और 5 जून की परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबंध कॉलेजों के शैक्षिक सत्र 2023-24 में परास्नातक में दाखिले के लिए परीक्षा का आगाज 2 जून से होगा। TGT और PGT चयनित अभ्यर्थियों का क्रमिक अनुसार आज होगा। TGT PGT 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति न देने पर सोमवार से शिक्षा निदेशालय परिसर में अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू करने की घोषणा की गई है। अभ्यर्थियों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि प्रतीक्षा सूची के हजारों चयनित शिक्षक वर्षों से नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। तो वहीं पर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से कुछ छात्र लखनऊ जा रहे हैं, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की मांग है विद्यार्थियों की और सीटों में वृद्धि की मांग भी कर रहे हैं। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में 608 पदों पर वैकेंसी है। अप्रेंटिस के लिए आयु सीमा अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 22 से 27 वर्ष। उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं 12वीं और संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। स्टाइपेंड लिखा हुआ है। चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेजों एवं सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 18 जून है, वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं। एक और मामला है शिक्षक भर्ती का। 29,334 पदों पर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन 2013 में निकला था, इसका मामला भी कोर्ट में चल रहा है। रिक्त 6,000 सीटों पर भर्ती का मामला है। इस केस की अंतिम सुनवाई अब अगस्त में होनी है और विद्यार्थियों की निगाह अगस्त में लगी हुई है। देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो आपके काम पर लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।